नमस्कार, शुरुआत नेचुरोपैथी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए आज हम आपको बताते हैं कि हल्दी की क्या क्या गुण हैं और हल्दी में भी कच्ची हल्दी कितने गुणकारी है। आप हल्दी से वैसे तो परिचित होंगे ही, हल्दी हर खाने में इस्तेमाल की जाती है और हल्दी का उपयोग आपके पाचन तंत्र को सुधारने में भी, अंदर की सूजन कम करने में भी और शरीर के हजारों सालों के उपयोग में किया जा रहा है इसका शोधन। इसके अंदर पाने जाने वाले तत्व कर्ब्यूमिनोइड्स और वोलेटाइल तेल कैंसर रोग से लड़ने के लिए भी जाने जाते हैं। जी हाँ, सर्दियों में मौसम में हल्दी की गांठ का उपयोग सबसे अधिक और लाभदायक है और समय हल्दी में होने वाले फायदों को भी बहुत बड़ा गुण है, बहुत फायदेमंद है। हल्दी के कच्ची हल्दी को उसके बाद पाउडर की तुलना में ज़्यादा गुणकारी होती है क्योंकि कच्ची हल्दी में बहुत ज़्यादा गुण होते हैं और उसके इस्तेमाल करने के जो तरीके हैं वो भी थोड़े अलग अलग होते हैं। कच्ची हल्दी अदरक की तरह दिखाई देती है, इसके जूस में डालकर, दूध में उबालकर, चावल के व्यंजनों में डालकर, अचार के तौर पर चटनी बनाकर आप खा सकते हैं, इसका उपयोग कर सकते हैं क्योंकि कच्ची हल्दी का अपना ही एक मजा है। आइए आप इसके हम आपको 10 जो हैं गुण हैं वो बताते हैं। कच्ची हल्दी में कैंसर से लड़ने के गुण होते हैं। ये खासतौर पर पुरुषों पर होने वाले प्रोस्टेट कैंसर के कैंसर सेल्स को बढ़ने से रोकने के साथ साथ उन्हें खत्म कर भी कर देती है। यह हानिकारक रेडिएशंस के संपर्क में आने वाले ट्यूमर से भी बचाव करती है। हल्दी में सूजन को रोकने का बहुत बड़ा खासकर गुण है। इसका उपयोग गठिया रोग में अत्यधिक लाभदायक है। यह शरीर के प्राकृतिक सेल्स को खत्म करने की जो रेडिकल्स को है उसको खत्म करती है और गठिया रोग में होने वाले जोड़ों के दर्द को दूर करके उसमें लाभ पहुँचाती है। कच्ची हल्दी में इंसुलिन के स्तर पर संतुलित करने का गुण होता है। इस प्रकार ये मधुमेह के रोगी यानी कि डायबिटीज के रोगियों के लिए भी बहुत ही लाभदायक है। इंसुलिन के अलावा ये ग्लूकोज को नियंत्रित करती है जिससे मधुमेह के दौरान होने वाला जो उपचार है वो बढ़ जाता है। परंतु अगर आप जो दवाइयाँ ले रहे हैं बहुत ही बड़े हुए स्तर पर है तो हल्दी के उपयोग से पहले चिकित्सक से या अपने डॉक्टर से जरूर आप संपर्क कर लें। शोध से ये भी साबित होता है कि हल्दी में लिपोपाली सेचराइड नाम का एक तत्व है, इससे शरीर में इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। हल्दी इस तरह से शरीर में बैक्टीरिया की समस्या में बचाव करती है और बुखार होने से रोकती है। इसके शरीर को फंगल इन्फेक्शन होने से बचाते हैं, शरीर के अंदर के जो गुण हैं उनको ताकतवर बनाते हैं। हल्दी के लगातार इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल जो उसका लेवल है वो शरीर में बहुत कम बना रहता है और कोलेस्ट्रॉल सेरम को नियंत्रित कर दें, हल्दी शरीर के हृदय रोगों को भी संतुलित रखती है। कच्ची हल्दी में एंटीबैक्टीरियल और एंटीसेप्टिक गुण होती है। इसमें इन्फेक्शन से लड़ने की ताकत होती है और ये सोरासाइसिस जैसे त्वचा संबंधी रोगों को भी दूर करता है। हल्दी का उपयोग त्वचा को चमकदार और स्वस्थ बनाने में भी किया गया है। इसमें एंटीसेप्टिक गुण है जो भारतीय संस्कृति के विवाह से पूर्व शरीर पर हल्दी का उपटन लगाकर किया जाता है और लड़का हो या लड़की उसको हल्दी से ही मत कर उसके शरीर के ऊपर लेप लगाया जाता है जिसके उसका शरीर बहुत ही लाभकारी, सुंदर और स्वस्थ दिखाई देता है। कच्ची हल्दी से बनी चाय अत्यधिक लाभप्रद है। इसमें इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत होता है क्योंकि कच्ची हल्दी से अगर आप चाय पीते हैं तो उसकी चाय का जो एक सिस्टम है, बॉडी का जो सिस्टम है उसको वो चाय बहुत ठीक करती है। हल्दी में वजन कम करने का गुण पाया जाता है। इसका नियमित उपयोग से वजन कम होता है और आपकी गति जो शरीर की है वो बढ़ती है। शोध से ये भी साबित होता है कि हल्दी लीवर को भी स्वस्थ रखता है और हल्दी के उपयोग से लीवर समय पर प्रॉपरली काम करता है और स्वस्थ रहता है। तो इस तरह से आपको हमने बताया कि हल्दी के कितने गुण हैं और हल्दी कितनी लाभदायक है आपके शरीर के लिए और रोज़मर्रा में हल्दी का आप इस्तेमाल कीजिएगा। हमारे चैनल पर बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।